फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनू चौधरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अभी आप लोगों को मैं लेके चल रही हूँ विशाखापट्टनम का एक बहुत ही अच्छा बीच है, ऋषिकोंडा बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे और मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी। सामने समुंदर दिख रहा था और ऊपर बादल छाए हुए थे और सड़क के किनारे पेड़ ही पेड़, पूरा हरा भरा, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था और यहाँ की सड़कें ना बहुत ही प्यारी है। तो फाइनली हम लोग अभी बीच पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, जहाँ पे मतलब पार्किंग चार्ज तो सभी जगह होता है। तो हमारा 10 रुपये पार्किंग चार्ज लगा, हम लोगों ने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी थी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति सी है। तो जस्ट सामने आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा मतलब कि समुंदर दिख रहा पूरा, बहुत ही काफ़ी बड़ा ये बीच है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जो लोग घूमने के लिए आते हैं ना, उनकी पहली पसंद होती है ऋषिकोंडा बीच। सच में बहुत अच्छा है यहाँ पे, पूरी मतलब शांति का सा माहौल था, बहुत बड़ा, तो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, साफ़ सुथरा भी था और अच्छा मौसम हो रखा था। ऊपर से ये वाला मौसम बारिश का मौसम, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे कोई लोग तैराकी करना चाहता है या फिर एड सर्फिंग करना चाहता है या फिर स्कीइंग या मतलब सारे यहाँ पे जो बोट राइडिंग की, वो सब यहाँ पे अवेलेबल थे। तो यहाँ का नज़ारा देख के ना सच में मन को बहुत शांति मिल रही थी। और अगर आप लोग कभी विशाखापट्टनम या बैजाग घूमना चाहते हो तो ऋषिकोंडा बीच ज़रूर जाना, और आई थिंक सभी लोग जाते होंगे क्योंकि ये गिने चुने बीचों में से एक माना जाता है। तो काफ़ी लहरें आ रही थी, आप लोग देख पा रहे होंगे, वैसे यहाँ पे लहरें कहीं इधर से आ रही थी उधर से, चारों तरफ से लहरें आ रही थी क्योंकि इसका आकार ऐसे गोलाई में था। तो कभी किस साइड से लहर आ रही थी आप लोग देख पा रहे होंगे, बीच में इनमें पत्थरों का भी है थोड़ा सा। यहाँ पे लोग अपनी सेल्फी वगैरह लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग देख के बताना, कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को ये जगह कैसी लगी। हम लोगों को तो बहुत ही यहाँ पर मज़ा आया, बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पर टाइम बिता के। तो चलिए आगे मैं कुछ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए प्यारा सा यहाँ पे ना बच्चों के खेलने के लिए भी अलग से मतलब जगह बनाई हुई थी, आराम से बच्चे खेल सकते हैं, पिकनिक के लिए ना बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पे ये कछुआ बनाया हुआ था, ये मतलब कितनी प्यारी यहाँ पे कला दर्शाई गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना कलरफुल है। और ये यहाँ पर शायद जो फिश होती है उनमें जो बोलते ना परी, क्या बोलते मुझे नहीं पता, तो ये उनकी मतलब कि यहाँ पे आकृति बनाई हुई थी। और ये यहाँ पे फिश की है, बहुत ही अच्छी मतलब कलरफुल देखने में ये चीज़ें ना इतनी अच्छी लग रही थी, सच में मन को एक सुकून सा शांति सी मिल रही थी। और इतना अच्छा बीच है सच में, बहुत यहाँ पर हम लोगों को अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी जगह है, बहुत ही अच्छा मतलब स्पेसफुल है। और यहाँ पे मतलब कि जो बोट राइडिंग है, क्या क्या होता है, उनकी फ़ीस भी लिखी हुई है, लेकिन वो अभी हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस कुछ जगह ढूंढ रहे हैं बैठने की। और पानी का मतलब काफ़ी लहरें आ रही है तेज़ तेज़, और अभी को थोड़ा खिलाएँगे और थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ खाएँगे पियेंगे। तो चलिए और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे तेलुगु में कौन सी भाषा होती है इनकी, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये तो साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर कुछ मतलब गर्ल्स और बॉयज़ मिलके शायद कुछ सोशल मीडिया के लिए अपनी रील्स वगैरह बना रहे होंगे, तो सब अपने अपने में खोए रहते हैं। और यहाँ पर ना अभी चल नहीं रहा था मिट्टी में, क्योंकि इसको आदत नहीं थी, तो इसको अजीब सा लग रहा था। तो मैं इसको समझा रही थी, बेटा देखो मिट्टी ऐसी ही होती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, तो फिर भी ये अपने पाँव को ऐसे मतलब कि उठा उठा के चल रहा था, बिल्कुल भी लगने नहीं दे रहा था, बच्चा था। एक बार धीरे धीरे मैंने सोचा कि अपने आप मतलब कि कर लेगा, अपने पाँव रख लेगा मिट्टी में। तो यहाँ पे अभी देखिए आप लोग भी समुंदर का नज़ारा एंजॉय कीजिए, आप लोग घर बैठे विशाखापट्टनम का ऋषिकोंडा बीच, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है।
अच्छा लगता है। पिछली बार हम आर के बीच गए थे, वहाँ पे ऐसी मिट्टी थी भी नहीं। हाँ वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे अच्छा लगा अभी को। अभी अभी चलो उधर चलते हैं बैठने के लिए। ये वाला बीच में से देखे तो आर के बीच से तो काफी, हाँ उससे काफी अच्छा है, खुला खुला भी है थोड़ा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलो चलते हैं। अलग से बना रखा है, सेपरेट सेपरेट है, बच्चों का खेलने का भी है। हाँ सब है, अभी को शाम के टाइम में खिलाएंगे, अभी नहीं, अभी कम बेटा। चलो चलती है बैठते हैं कहीं, पानी वानी पीते हैं। वैसे हम लोग पानी वगैरह की बोतल वगैरह साथ में लेके आए हैं सब कुछ, और देखते हैं और भी कुछ खाने पीने का लगा तो खा लेंगे। और काफी तेज तेज लहरें आ रही है, साथ में ना बारिश की भी बूंदे आ रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी। और मुझे लग रहा है शाम होते होते यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हो जानी है। तो चलिए कहीं बैठते नहीं, फिर वहाँ पे जगह मिले ना मिले, यहाँ पे इतना ही ज्यादा वो नहीं है बैठने का सिस्टम। और अभी आराम से बैठा हुआ, काफी अच्छा लग रहा है, ऊपर से बारिश की बूंदे गिर रही है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में समुंदर, ये नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग उस साइड जा रहे हैं बैठने के लिए, और मैंने अपने हाथ में ना अभी की सैंडल ले ली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे होने लगी है अभी, तो सोच रहे कहीं जाके बैठ जाते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये बोट वाला सब सिस्टम है, लेकिन हम सोचते हैं कि करना है नहीं करना है, क्योंकि बच्चा साथ में इसको डर लग सकता है। तो चलिए गाइस चलते हैं, अभी बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ थोड़ा सा नज़ारा। और तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे ना मक्के वगैरह सेक रहे थे अम्मा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते ना, तो और बारिश का मौसम भी था, तो सब लोग ना मक्के वगैरह ज़्यादा खा रहे थे, और आजकल सीज़न भी इन्हीं का चल रहा है। तो फाइनली हम सिटिंग एरिया में पहुँच गए थे, तो अभी भैया ने इस बेड का चार्ज 150 बताया हम लोगों को, तो देखते हैं यहाँ पे एक घंटे के 150। ओके, एक घंटे के 150 तीनों बेड हमारे। अभी सो गया, अभी ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया। अभी क्या पी रहे हो, मेरे को दिखाओ, हैं क्या पी रहे हो भाई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, लो जी कर लो बात, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है अभी, अभी आराम से पियो दोनों हाथों से। कितने का है, एक कितने रुपीज, 30 दे दीजिए। तो यहाँ पे ना मैं इनसे बात कर रही थी, क्योंकि इस नारियल में ना नारियल पानी कम था, और इसके अंदर जो मलाई होती है ना वो ज़्यादा थी, तो फिर भी मैंने पी लिया, और मलाई हम लोगों ने नहीं निकलवाई क्योंकि मेरा मन नहीं था खाने का वहाँ पे। तो उसके बाद में ना मैं अभी को थोड़ी देर के लिए पानी के पास में लेके गई, क्योंकि जब हम पहले गोवा रहते थे तो वहाँ पे भी अभी बहुत खेलता था, मतलब पानी में पाँव बस वो एक जगह खड़ा रहता है, वो उसको ये नहीं होता कि मुझे आगे जाना है या फिर कुछ, और बस उसको खड़ा रहता है वहाँ पे, और वो पानी का वेट करता रहता है कब मेरे पास में पानी की लहर आएगी, तो खुश हो जाता जैसे ही लहर आती है, और जब नहीं आती है ना तो वो मतलब बोलता रहता है आ जा ऐसे करता रहता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, पानी की लहरें आ रही है। Right now.
अभी शाम का टाइम हो गया था और हम लोग चल पड़े थे, और थोड़ी थोड़ी ना बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा कुछ पानी पूरी खा लेते हैं। तो बस पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं। ये सब हाथ से बनाए हुए है क्या? वो सब कितने कितने के कैसे है? कितने का एक? 150। ये इसका पानी निकलता नहीं है क्या? निकलता नहीं। अच्छा अच्छा वो रखो एक बार। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और सारा मतलब यहाँ पे घूम लिया है, सब कुछ देख लिया, खाना पीना सब कुछ हो गया है और बारिश होने लगी, आपको पीछे दिख रहा होगा। तो देखते हैं कैसे क्या पहुँचते हैं। अभी फिलहाल तो बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है, और वो दोनों पापा बेटे जा चुके हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक अच्छे से नए से वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।